हाथरस कांड तो बाद बाबा साकर हरी भोले बाबा का विरोध हुण हर पासे तेज हो गया। दस दिए कि हुण भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया ते उन्होंने ऐलान कर दिता है कि जो भी कोई हुण बाबा साकर हरी भोले बाबा का सिर कलम करके देवेगा उसनू 11 लख रुपए का इनाम दिता जाएगा। तो दस दिए कि भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों यह ऐलान किया गया। दस दिए कि हाथरस दे विच जो भगदड़ मची सी उस तो बाद भोले बाबा साकर हरी का विरोध जो है काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। तो इस दौरान हुण भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों यह अहम ऐलान किया गया है कि जेकर कोई हुण उसका सिर कलम करके देवेगा तो उसनू 11 लख रुपए के इनाम के नाल नवाजिया जाएगा। दस दिए कि यूपी के हाथरस के भोले बाबा के प्रोग्राम के कहा जा रहा है कि भगदड़ मची सी जिस 121 लोगों की जान चली गई सी। हालांकि इस घटना तो बाद जो बाबा है साकर हरी भोले बाबा उसका विरोध तेज हो गया सी। इस घटना की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के वलों भी जांच के हुक्म दे दिते सी। इस घटना तो बाद हुण लगातार इस बाबे का विरोध जो है लगातार तेज हो गया ते भ्रिष्टाचार विरोधी सेना के वलों यह वड्डा ऐलान किया गया। क्या नाम है आपका और किस तरीके का आपने बयान जारी किया, किसके लिए किया और क्यों किया? पंडित केशव देव गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू राष्ट्र सेना एवं भ्रष्टाचार विरोधी सेना संस्थापक अध्यक्ष हैं हम। और जो हाथरस में घटना घटित हुई है उसे लेकर हम पीड़ित और बहुत दुखी हैं, क्योंकि राज्य सरकार और हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये कुछ भगोड़ा भोले बाबा उर्फ सूरज पाल साकार हरी ये एक पाखंड की दुकान चलाता है। ये ना तो हिंदू सनातन धर्म से है और ना ही किसी हिंदू पीठ से इसको मान्यता प्राप्त है। किसी हमारा बयान है कि इसको सूरज पाल उर्फ भोले बाबा साकार हरी जो पाखंड की दुकान चलाता है, गरीब मजदूरों को बरगला करके अपनी जमात इकट्ठी करता है और धन संपत्ति को लूटता है, अपने ऐसो आराम पर खर्च करता है। इसका सिर काट कर लाने वाले को जो चौराहे पर जूते मारेगा उसे भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जूते किसमें मारेंगे? उसके सिर को काट कर उसी में जूते मारेंगे। कैसे देंगे आप जानकारी? हमारा संगठन 7 राज्यों में काम करता है। हम संगठन से चंदा इकट्ठा करेंगे धर्म के लिए, रक्षा के लिए और गरीबों के हक के लिए हम ये भी काम करेंगे। हाथरस कांड तो बाद बाबा साकर हरी भोले बाबा का विरोध हुण हर पासे तेज हो गया। दस दिए कि हुण भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया ते उन्होंने ऐलान कर दिता है कि जो भी कोई हुण बाबा साकर हरी भोले बाबा का सिर कलम करके देवेगा उसनू 11 लख रुपए का इनाम दिता जाएगा। तो दस दिए कि भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों यह ऐलान किया गया। दस दिए कि हाथरस दे विच जो भगदड़ मची सी उस तो बाद भोले बाबा साकर हरी का विरोध जो है काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। तो इस दौरान हुण भ्रिष्टाचार विरोधी सेना दे वल्लों यह अहम ऐलान किया गया है कि जेकर कोई हुण उसका सिर कलम करके देवेगा तो उसनू 11 लख रुपए के इनाम के नाल नवाजिया जाएगा। दस दिए कि यूपी के हाथरस के भोले बाबा के प्रोग्राम के कहा जा रहा है कि भगदड़ मची सी जिस 121 लोगों की जान चली गई सी। हालांकि इस घटना तो बाद जो बाबा है साकर हरी भोले बाबा उसका विरोध तेज हो गया सी। इस घटना की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के वलों भी जांच के हुक्म दे दिते सी। इस घटना तो बाद हुण लगातार इस बाबे का विरोध जो है लगातार तेज हो गया ते भ्रिष्टाचार विरोधी सेना के वलों यह वड्डा ऐलान किया गया। क्या नाम है आपका और किस तरीके का आपने बयान जारी किया, किसके लिए किया और क्यों किया? पंडित केशव देव गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू राष्ट्र सेना एवं भ्रष्टाचार विरोधी सेना संस्थापक अध्यक्ष हैं हम। और जो हाथरस में घटना घटित हुई है उसे लेकर हम पीड़ित और बहुत दुखी हैं, क्योंकि राज्य सरकार और हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये कुछ भगोड़ा भोले बाबा उर्फ सूरज पाल साकार हरी ये एक पाखंड की दुकान चलाता है। ये ना तो हिंदू सनातन धर्म से है और ना ही किसी हिंदू पीठ से इसको मान्यता प्राप्त है। किसी हमारा बयान है कि इसको सूरज पाल उर्फ भोले बाबा साकार हरी
जो पाखंड की दुकान चलाता है, गरीब मजदूरों को बरगला करके अपनी जमात इकट्ठी करता है और धन संपत्ति को लूटता है, अपने ऐसो आराम पर खर्च करता है। इसका सिर काट कर लाने वाले को जो चौराहे पर जूते मारेगा, उसे भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जूते किसमें मारेंगे? उसके सिर को काट कर उसी में जूते मारेंगे। कैसे देंगे आप जानकारी? हमारा संगठन 7 राज्यों में काम करता है। हम संगठन से चंदा इकट्ठा करेंगे, धर्म के लिए, रक्षा के लिए और गरीबों के हक के लिए हम ये भी काम करेंगे।